हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाई चोपड़ा। दोस्तों, नीट 2019 एमबीबीएस और बीडीएस के लिए एडमिशन ओवर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी स्टूडेंट व उनके पेरेंट्स के पास फोन आ रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिला देंगे। ये जो आप हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं, इसमें लिखा है सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेज की सीटें 10 लाख के लिए वादा। इसमें आगे लिखा है कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल सीटों में प्रवेश के लिए लगभग एक महीने के बाद माता पिता को अज्ञात स्रोतों से ईमेल व संदेश प्राप्त करने के लिए आश्रय होता है। उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट पाने में मदद करने का दावा करते हैं। एजेंटों ने राज्य में सरकारी मेडिकल व डेंटल कॉलेज में प्रवेश की पुष्टि करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी MCI को संबोधित माता पिता से 6 लाख से 10 लाख के बीच ड्राफ्ट की मांग की है। बार बार प्रयास करने के बावजूद MCI को कॉल व ईमेल अंतरित होगा। एक मेडिकल आकांक्षी के माता पिता ने कहा है कि मेरी बेटी के प्रवेश की पुष्टि महाराष्ट्र के एक निजी चिकित्सा संस्थान में की गई है। हालांकि कुछ दिनों पहले मुझे एक अज्ञात स्रोत से एक ईमेल मिला जो UG सीटों में आवंटन प्रक्रिया का एक हिस्सा होने का दावा करता है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को एक निश्चित शुल्क के लिए एक सरकारी संस्थान में सीट मिल सकती है। मुझे पता नहीं था कि कोई प्रक्रिया मौजूद थी। उन्होंने कहा कि ईमेल में कहा गया है कि प्रवेश की मंजूरी पहले श्रम और रोजगार मंत्रालय के माध्यम से आएगी, जिसके बाद अंतिम मंजूरी सरकारी मेडिकल कॉलेज से दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ईमेल इतना वास्तविक लग रहा है कि एक उम्मीदवार जो एक सरकारी संस्थान में एक सीट के लिए बेताब है, इसके लिए गिर सकता है, उन्होंने कहा। ईमेल आगे कुछ सरकारी कॉलेजों में आर्थिक रूप से कमजोर कोटे के तहत छोड़ी गई सीटों के खिलाफ कुछ चुनिंदा छात्रों के लिए सीट उपलब्ध करवाने का दावा करते हैं। एक मामले में एक छात्र को सीट के लिए लगभग स्टूडेंट से 9 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के एक संस्थान के डीन के लिए 75,000 एक बार पंजीकरण शुल्क के रूप में 1.22 लाख और 75,000 यानी 6,75,000 के पक्ष में शामिल थे। मेडिकल काउंसिल कमेटी डिमांड ड्राफ्ट में दे। इस तरह के संदेश बहुत आम हैं, खासकर प्रदेश में मौसम के समाप्त होने के बाद। इससे पहले जालसाजी नकली संदेशों के साथ माता पिता को निशाना बनाते हैं, लेकिन अब वे हताश अभ्यर्थियों को निशाना बनाने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे आधिकारिक संगठनों के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। माता पिता ने राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ साथ MCI से भी संपर्क करने का फैसला किया है, ताकि उन्हें इस तरीके के फैलते संदेशों के बारे में सूचित किया जाए। उम्मीद है कि अधिकारी इस पर कार्रवाई करेंगे। ईमेलों में से एक निदेशालय सामान्य श्रम कल्याण के एक कथित वरिष्ठ परामर्श समर्थन द्वारा भेजा गया था। जब HT ने ईमेल पर दिए गए नंबर पर कॉल करने की कोशिश की तो ये अनुत्तरित हो रहा था। तो दोस्तों, आपने किसी भी प्रकार के ऐसे फोन पर विश्वास नहीं करना है। अभी MBBS और BDS के लिए कोई एडमिशन बाकी नहीं है, इनके लिए एडमिशन ओवर हो चुके हैं, तो आपने इनसे सावधान रहना है और नीट 2020 के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।